आज हमारी ऑनलाइन जूम क्लास में हम बात कर रहे हैं आपके साथ वीवीए प्रोग्रामिंग में डू व्हाइल लूप से रिलेटेड एक एग्जांपल के बारे में। तो प्रॉब्लम समझिए क्या है, मुझे क्या करने हैं कि मेरे एक फोल्डर के अंदर कई सारे फाइल्स हैं और मुझे इन फाइल का डेटा एक के नीचे एक के नीचे एक फाइल में अरेंज करना है। लेकिन उससे पहले कैसे पता चलेगा कि एक फाइल में कितने नंबर ऑफ फाइल है और कौन कौन से फाइल है? तो जो अभी मैंने पहले बोला डेटा कलेक्ट करने वाला, उस टॉपिक को हम सेकेंडरी रखते हैं और प्राइमरी हम जानते हैं कि हम एक पर्टिकुलर फोल्डर में कितने फाइल्स है इसका लिस्ट कैसे पता करेंगे। तो चलिए शुरू करते सेशन। हमने एक्सेल कौन किया, डेवलपर में गए, विजुअल बेसिक, और एक इंसर्ट किए मॉड्यूल्स को, और यहां हमने उसको डुअल स्क्रीन कर देता हूं ताकि दोनों आपको दिखे। यहां पे मैक्रो बनाते हैं कि सब, और मैंने यहां पे आरआर नहीं ले लिया क्योंकि बराबर में आरआर ही लेता हूं इसलिए। अब यहां पे हम सबसे पहले करते हैं डिम एफ एन एज ए स्ट्रिंग, क्योंकि फाइल का नाम हमें स्टोर करने वाला चाहिए तो हमने एफ एन डॉट स्ट्रिंग कर लिया। फिर एफ एन इक्वल टू एक फॉर्मूला होता है डी आई आर, डायरेक्टली फॉर्मूला। अब इस डायरेक्टली फॉर्मूले में इन्वर्टेड कॉमा के अंदर आप आपके पास जो फोल्डर का पाथ है उस पाथ को दे दीजिए। ओके और यहां पे पाथ को क्लोज, यहां पे स्लैश दीजिए और स्टार डॉट फाइल का एक्सटेंशन, जैसे मुझे डॉट एक्सएलएस फाइल चाहिए तो एक्सएलएसएक्स, या आपको नहीं पता कि फाइल के पाथ क्या, आपको सारे फाइलों का लिस्ट चाहिए तो क्या करिए स्टार डॉट स्टार, ठीक है। फिर कॉमा टाइप, एट टाइप में एट्रिब्यूट टाइप में हमने वीवी नॉर्मल ले लिया, हमने बोला कि नॉर्मल फाइलें चाहिए, हिडन सिस्टम ये सब फाइलें नहीं चाहिए, नॉर्मल फाइल चाहिए। अब डीआईए फंक्शन क्या करेगा, क्या आपके इस ड्राइव में जितने भी फाइल के सामने डॉट लगा है, क्योंकि तो हर फाइल में डॉट तो होता ही है ना, डॉट एक्सएलएस, डॉट डीओक्सी, डॉट पीपीटीएक्स, तो डॉट वाले फाइलों के लिस्ट निकाल लेगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि उसके सामने क्या लगा हुआ है, एफ एन, एक टेक्स्ट स्ट्रिंग लगा हुआ है, तो एक बार में वो एक ही नाम को एफ एन के ऊपर स्टोर करेगा, ठीक है। तो मैंने क्या किया, यहां दिया रेंज, रेंज में दिया ए 65,000 डॉट एंड, क्योंकि एक के नीचे एक नाम चाहिए ना मुझे, एक्सएलएस ऑप, और यहां पे डॉट लगाएंगे ऑफसेट, यहां देंगे 1,0 डॉट वैल्यू इक्वल टू एफ एन। फिर ये पहला नाम दे दिया, फिर मैं क्या करूंगा एफ एन इक्वल टू डी आई आर और ब्रैकेट क्लोज, ये क्या करेगा दूसरा फाइल को लोड करेगा, जैसे बंदूक होता है ना, बंदूक में मैगजीन लगाए और करते हैं तो एक बुलेट, एक कॉर्प से एक बुलेट को मैगजीन में लेके लाता है क्या, वन बाय वन, ये समझिए कॉर्क हो गया आपका, क्यों अगले लेके आए। फिर यहां पे मैं इसको कॉपी करूंगा और कॉपी करने के बाद यहां पेज करूंगा तो फिर दूसरा फाइल नेम देगा, रन करके देख लीजिए, यहां रन दो आ गया ना सर। अब मैं फिर इसी कोड को एक बार और यहां रिपीट किया तो ये तीसरा फाइल नेम दे देगा, आ गया 1 2 3, इसको चार बार करेंगे चौथा दे देगा, क्लियर सर। अब यही पे प्रॉब्लम आती है, हमें क्या पता कि डीआईआर फंक्शन ने उस फोल्डर से कितने फाइल लिए, तो जब तक पता नहीं चलेगा तब तक हम इसको कैसे रिपीट करेंगे, रिपीट तो नहीं कर पाएंगे ना क्या, तो यहां पे हम लगाएंगे लूप का फॉर्मूला, किसका, लूप का। तो यहां पे लूप लगाएंगे कि डू व्हाइल एफ एन इज नॉट इक्वल टू ब्लैंक, देन लूप, ब्लैंक को किया
जैसे एफ एन के पास नामों का लिस्ट खत्म हुआ, इसको डी आई ए के पास, सॉरी डी आई ए के पास जैसे सारे नामों का लिस्ट खत्म हुआ, वो एफ एन के ऊपर ब्लैंक स्टोर करेगा। ओके, अब यहां ब्लैंक स्टोर हुआ इसका मतलब कि खत्म है, तो लूप इसको बाहर कर देगा। तो इससे क्या देखा आपने? इससे देखा कि जितनी फाइलों का लिस्ट था हमारा यहां पे आ गया। अब बताइए, कोई डाउट है आप लोगों को इसमें? जी चलिए, हम कुछ देर का, 2 मिनट का टाइम देते हैं, आप जो चेक कीजिए, 2 मिनट नहीं, थोड़ा टाइम देते चेक कीजिए। और YouTube पे जो हमारी वीडियोस देख रहे हैं उनसे मैं बोलना चाहूंगा कि आप हमारे साथ अगर लाइव जुड़ना चाहते हैं, जैसे आप देख सकते हैं कि हमारे साथ टोटल 4 बंदे हैं, जिसमें 2 तो बाहर से हैं, मतलब आउट ऑफ इंडिया से, आयरलैंड से है विकास सर, नायक। ओनली एक ओनली चीज है, एक चीज जैसे है कि हम जैसे लोगों कि हम ने लोगों ने डायरेक्टरी में डायरेक्टरी में डॉट स्टार डॉट दिया है, तो वो सब फाइल्स को रीड करेगा, जैसे कि एक्स एल एक्स एक्स है या एम है। तो जी, अगर हम तो लोगों अगर हम ने लोगों ने एक्स एल एक्स एस एस देन डॉट देन ये डॉट क्या ये क्या स्टार दिया, स्टार तो दिया, तो उस वही एक्सेल वही के ही एक्सेल के ही फॉर्मेट के सब फॉर्मेट, फाइल रीड करेगा, वो भी कर जी, सकते जो हैं, राइट? फॉर्मेट डालोगे उसी फॉर्मेट का आएगा, या पर्टिकुलर नाम है, जैसे आप चाहते हैं कि भाई डेटा उठाए, डेटा वाला फुल फाइल उठाए, तो यहाँ पे आप डेटा कर सकते हैं। ठीक है, तो आपने कर दिया डेटा। अब जिस फाइल, चाहे टाइप का एक्सटेंशन टाइप क्यों कुछ भी क्यों ना हो, पर डेटा को ही उठाए जिसमें डेटा हो, ठीक है ना। जैसे कुछ लोग यस बोलते हैं सर, सर आज की डेट की फाइल उठाए सिर्फ, या फिर इस महीने की डेट की फाइल उठाए, तो फाइल का नाम जो है, मतलब डेट के हिसाब से नाम है फाइल का, तो यहां पे हमने लिख दिया 2022 डैश 22 23 हो गया ना हमारा, 22 नहीं जी रहे होंगे जैन। तो क्या हुआ, जिस फाइल में 2022 और जैन होगा वो सारा उठा लेगा, चाहे डेट कुछ भी हो, समझे। तो इस तरह की चीजें इसमें आप दे सकते सर मेरे लास्ट नेटवर्क इश्यू था, आपने वीबी नॉर्मल करके दिया ना, उसका मीनिंग क्या है सर? डीवी नॉर्मल, मैं चाहता तो कि नॉर्मल फाइल उठाए, सिस्टम फाइल, हिडन फाइल, इससे फाइल उठाया नहीं, एक्सी फाइल ना उठाए, हाँ या इसको देना जरूरी नहीं है लेकिन बता देना होता है। कई बार पता चलता हिडन फाइल उठा लिया, कई बार पता चलता है कि सिस्टम का फाइल उठा लिया, ठीक है, समझे, क्लियर है आप लोगों को। सर, अब बारी आती है सेकेंडरी। जैसे कि आप जानते हैं कि जब भी हमारा रिपोर्ट ऑटोमेशन चलता है उसमें 50% मैं करता हूं और 50% आपका कंट्रीब्यूट होता है। अब मैं यहां से फाइल, मेरे पास सारे फाइल नामों का लिस्ट आ गया है FN पे। अब आपको इस कोड के अंदर एडिट करना है कि वन बाय वन एक फाइल को ओपन करे, डेटा को कॉपी करे और एक सीट पे पेस्ट करे, फिर फाइल क्लोज करे, दूसरी फाइल को ओपन करे, डेटा कॉपी करे, फिर सीट में एक डेटा के भी नीचे उसको पेस्ट करे, ठीक है। ओके ये प्रोजेक्ट आपको करके भेजना है। आपसे जब नहीं होगा तो कल मैं आपको, मैं खुद बताऊं,